Samsung M53 5G ये फोन भाई काफी लोगों के लिए कह सकता हूँ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आता है, लेकिन काफी लोगों को ये वाला फोन बाय नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा एक प्राइमरी फोन है, पिछले 4 से 5 महीने हो चुके मैं इसको यूज कर रहा हूँ डेली बेसिस पे एक प्राइमरी फोन की तरह। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2023 में ये वाला फोन आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। और कुछ आप अंदाजा इससे भी लगा रहे हो कि वीडियो भी भाई इसी फोन से अभी शूट हो रही है। सबसे पहले अगर मैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो भाई सैमसंग की डिस्प्ले के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कुछ प्लस पॉइंट भी बताऊंगा, कुछ माइनस पॉइंट भी बताऊंगा कैमराज में प्रोसेसर में। तो अगर डिस्प्ले की बात करूं तो मेरे को इस फोन में कोई भी कमी नहीं लगी। सुपर एमोलेड प्लस की डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 6.7 इंच की डिस्प्ले भाई बड़ी भी है, मूवीज वगैरह देखने में डेफिनेटली काफी आनंद आने वाला है। और जब बात आती है भाई UI की तो मैं आपको अगर बात करूं तो ये मैं MIUI भी यूज करता हूं और One UI भी यूज करता हूं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ MIUI में काफ़ी सारे बग्स है, लेकिन One UI में भी मुझे कुछ बग्स देखने को मिले थे। अब यहाँ पे हाल ही में अपडेट आया था One UI 5.1 का, उसके बाद में भाई काफ़ी सारे बग्स कम हुए हैं, लेकिन फिर भी भाई अभी भी थोड़े बग्स है। और MIUI के साथ में ही अगर ऐसा देखा जाए कंपेयर करके One UI को, तो One UI भाई वन ऑफ द बेस्ट कह सकता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा बेटर UI है सैमसंग का One UI। और सिक्योर फोल्डर तो भाई काफ़ी यूजफुल रहेगा आप सबके लिए। सिक्योर फोल्डर आपको पता ही है क्या होता है, अगर नहीं पता तो मेरे काफ़ी सारे शॉर्ट्स में मैंने इसके टिप्स एंड ट्रिक्स देख रखे हैं, अगर आप शॉर्ट्स नहीं देखते हो तो जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। बट जैसे कि मैंने कहा भाई कैमराज में, तो मैं आपको थोड़ा अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। कैमराज में वीडियो और फोटो को अलग अलग लेते हैं, वीडियो में भी सेल्फी को थोड़ा अलग से लेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कैमरा की, जो आपको 108 मेगापिक्सल मिलता है भाई। कैमरास डे लाइट में आपको काफ़ी सही फोटोज देता है, लेकिन नाइट फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और वीडियोस के लिए ये वाला फ़ोन भाई नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई वीडियोस में इसका प्रोसेसर जो है वो थोड़े फ्रेम्स को कट कर देता है। अभी ये वीडियो भाई इसी फ़ोन से बन रही है तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ फोटोज़ के लिए, इसका सेल्फी कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है, इस बजट का सेल्फी इसकी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, लेकिन वीडियोज़ नहीं है। और इसका जो बैक कैमरा है वो नाइट फोटोग्राफी के लिए नहीं है। उसी के साथ में अगर आप कोई क्रिएटर हो, अगर कोई आप वीडियोस बना के लिए ये वाला फोन ले रहे हो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ माइक की। यहाँ पे 3.5 आपको नहीं मिलता, और आपको 700-800 रुपये का खर्चा करके आपको जुगाड़ करके एक सैमसंग की ओरिजिनल केबल जो आती है, कनेक्टर आता है 3.5 से टाइप सी का, वही आपको बाय करना पड़ेगा। कोई भी लोकल पिन ये सपोर्ट ही नहीं करता है, तो आपको सैमसंग की ओरिजिनल ही बाय करनी पड़ेगी, जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाली, ऑफलाइन सैमसंग स्टोर से बाय करना ताकि वो ओरिजिनल हो। और एक बात और जो मैं आपको डेफिनेटली हाई रिकमेंडेड करना चाहूँगा, एक गलती ये आप बिल्कुल मत करना। अगर भाई आप इस फोन को लेके कोई क्रिएटर हो जिसमें आप एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, तो ये फोन भाई एडिटिंग के लिए नहीं है। अगर आप मैं एडिटिंग की बात करूँ तो मैं इस फोन में एडिटिंग करता हूँ स्नैपड्रैगन 778G। सैमसंग में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 900 का प्रोसेसर, वो भाई एडिटिंग नहीं संभाल पाता। हाँ, थोड़ी बहुत आप एडिटिंग कर सकते हो, थोड़े बहुत गेम भी आप खेल सकते हो, लेकिन अगर हाई ग्राफिक्स पे, हाई FPS पे आप गेमिंग कर रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, उसके लिए आप कुछ अच्छा प्रोसेसर वाला फोन ले सकते हो, उनके लिए ये वाला फोन भाई बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर उसी प्रोसेसर में अगर मैं प्लस पॉइंट्स की बात करूँ तो 5G बैंड अच्छे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, गेमिंग में जो नॉर्मली गेमिंग होते हैं जैसे कि छोटे मोटे गेम्स, वो बहुत ही आसानी से ये वाला प्रोसेसर संभाल लेता है। हैवी टास्किंग नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल गेमिंग के लिए ये फ़ोन तगड़ा सा है। उसी के साथ में इसकी डिस्प्ले मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगी है, कैमरा सेल्फी कैमरा में बहुत ही तगड़ा फ़ोन है ये। लेकिन उसी के साथ में भाई एक इस फ़ोन में मुझे कमी भी लगी है, मैं इस फ़ोन को बहुत हाईली चलाता हूँ, तो मेरे को ये लगभग देता है 4.5 घंटे का बैटरी बैकअप, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 5000mAh की बैटरी कम से कम 7 घंटे का बैटरी बैकअप देती है, तो ये फ़ोन आपके लिए सही रहेगा अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो। अगर आप हैवी टास्किंग करते हो तो ये फ़ोन उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये बैटरी ज़्यादा खाता है। बैटरी ख़राब है ऐसा नहीं है, बैटरी कम चलती है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कैमराज का यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ोन में रिसर्च करता रहता हूँ, तो उनके लिए ये वाली फ़ोन बैटरी ज़्यादा खर्च करता है। और आप इतनी देर से इसका बॉक्स देख ही रहे हो, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि इसके साथ में आपको चार्जर नहीं मिलने वाला है।
चार्जर आपको 1200 रुपए में अलग से खर्च करना पड़ेगा। 25 वॉट का ये चार्जर सपोर्ट करता है। केबल आपको इस फोन के साथ में देखने को मिल जाती है। और जल्दी से अगर अनबॉक्सिंग करूं तो सबसे पहले ये ब्लू कलर का मेरा फोन है, उसी के साथ में भाई यहाँ पे सिम जैक टूल के साथ में अगर डॉक्यूमेंटेशन थोड़े बहुत, और उसी के साथ में ये केबल है ओरिजिनल वियतनाम में यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। ये बॉक्स देख के आप ऐसा मत समझ कि भाई फोन कहाँ है, फोन से सूट हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, वापस से रिमाइंड करवा देता हूँ, फोन से सूट हो रहा है। ये वीडियो आप जो देख रहे हो, मेरी आवाज जो देख रहे हो, वो सारी इस फोन से बोया के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, यही वाला फोन कैप्चर कर रहा है, तो उससे भी आप काफी अंदाजा लगा सकते हो। तो अगर मैं कुछ सजेशन की बात करूं, तो आप अगर एक नॉर्मल यूजर हो जिनको नॉर्मली अच्छा कैमरा चाहिए, सेल्फीज अच्छी होती है, फोटोज इसके अच्छे हैं, नाइट में फोटोज अच्छे नहीं है, और बहुत ज्यादा टाइम तक आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अगर आपको वीडियो का शौक है तो 10-15 मिनट करो, उसके बाद में ये फोन थोड़े फ्रेम कट करने लग जाता है 4K में, तो वहां पे भाई वीडियोस के लिए ये फोन रिकमेंडेड नहीं है। डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है, बैटरी बैकअप मेरे को ये फोन अच्छा नहीं देता, लेकिन नॉर्मली दूसरे तो मैंने वीडियोस देखे हैं इस फोन के ऊपर, उनको 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है नॉर्मल बेसिस पे। और ये फोन अभी मिल रहा है 26,000 रुपए में, सेल के ऊपर मिलता है ये 22,000 रुपए में। और इसकी सबसे अच्छी बात की भाई इसमें कार्ड लगा सकते हो, मैंने भी भाई 256 GB का कार्ड लगवा रखा है, क्योंकि मेरे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स इसी फोन में है, तो कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ये बहुत अच्छी चीज है। उसी के साथ में यहाँ पे इसके UI के काफी सारे फीचर मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है नॉर्मल यूजर की। डेफिनेटली अगर आपको 23,000 से नीचे ये फोन मिलता है तो आप ले सकते हो, 23,000 से नीचे ये M53 भाई कहीं नहीं जाने वाला, काफी ज्यादा सही फोन है मेरे को लगता है ऐसा। और इसी रेंज में आने वाले कुछ अदर फोन्स का अगर इसके साथ मैं कंपेयर करूं, तो सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा Redmi Note 12 Pro। हाँ भाई डेफिनेटली ये वाला फोन बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है अगर हम Redmi के Note 12 Pro से कंपेयर करें। कैमराज भी अच्छा है, OIS भी मिल जाता है, प्रोसेसर भी इससे बेटर है, प्राइस के हिसाब से बेटर नहीं है लेकिन इससे बेटर जरूर है, तो Redmi वाला इससे बेटर है। लेकिन वहां पे MIUI है, One UI नॉर्मल यूजर के लिए Samsung का फोन बेटर रहता है, अपडेट आपको ज्यादा टाइम तक मिलते हैं, लगभग 4 साल तक आपको अपडेट देता है Samsung। मैंने इसको भाई डीपली अक्टूबर में बाय किया था और काफी टाइम हो चुका है 4-5 महीने, तो मैं इसको डीपली भाई समझ चुका हूं, मेरा प्राइमरी फोन है ये। तो मैं आपको अगर रिकमेंड करूं हैवी गेमिंग के लिए ये वाला फोन नहीं है, और अगर कैमरास के वीडियो की बात करूं तो ये वाला फोन नहीं है। फोटोज इसके भाई काफी तगड़े आता है लेकिन वीडियोस में ये फोन थोड़ा हीट कर जाता है और फ्रेम को कम कर देता है। और अगर गाने सुनने कनेक्टिविटी चाहिए, 5G बैंड चाहिए, और उसी के साथ में आपको डिस्प्ले की नीड है, बैटरी की नीड है, हर चीज One UI इसमें, 4 साल का अपडेट, हर चीज आपको इसमें बेटर मिल जाती है। लास्ट ओपिनियन, नॉट फॉर गेमर्स, नॉट फॉर कैमरा लवर्स, फॉर क्रिएटर। अगर आप नॉर्मली सेल्फी लेना पसंद करते हो या फिर आप नॉर्मली फोटोज लेते हो, बहुत तगड़े फोटोज आएंगे, बूस्टेड कलर नहीं मिलेंगे, नेचुरल से फोटोज आते हैं, और उसी के साथ में One UI इसका बहुत ही ज्यादा तगड़ा सा लगता है मुझे तो। बाकी अगर मैं बात करूं तो ये अपना Xiaomi 11 Lite 5G जो कि आपको आराम से 21,000 तक मिल जाता है। इसके भी हमने 2023 की वीडियो बना रखी है कि आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं, ये बारे वीडियो देख सकते हो। इन दोनों ही फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी, वो वाली भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।